बादशाह अकबर अपने मन में आने वाले हर तरह के सवाल, चाहे वह कितनी ही उटपटांग क्यों न हो, हमेशा बीरबल से पूछ लेते थे और अपेक्षा रखते थे कि बीरबल उसे उसका उत्तर दे। एक बार अकबर और बीरबल साथ में बैठे हुए थे। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे एक ख्याल हमेशा ही आता है कि तुम जो इतने बुद्धिशाली हो तो तुम्हारे जो पिता है वह कितने बुद्धिशाली हो गए, और मेरा मन है कि एक दिन तुम्हारे पिता को जरूर मिलूं और देखूं कि वह बुद्धि में तुमसे भी बढ़कर है या नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज मेरे पिता एकदम सीधे साधे भोले भाले और गांव देहात में रहने वाले सरल आदमी हैं, उनसे मिलकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए अच्छा होगा आप उनसे मिलने का ख्याल छोड़ दें। अकबर को लगा बीरबल शायद इसलिए अपने पिता से मिलवाना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है उसके पिता उससे भी ज़्यादा बुद्धिशाली हो और अपने से ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति को मेरे सामने लाकर वह अपना महत्व कम नहीं करना चाहता होगा। अकबर ने बीरबल की एक न सुनी और उसे हुक्म दिया कि अगर 8 दिनों में उसने अपने पिता से उन्हें नहीं मिलवाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल के पास और कोई चारा नहीं था तो बीरबल ने गांव से अपने पिता को संदेश भिजवा कर बुलवा लिया। बीरबल अब सच में दुविधा में था क्योंकि उसके पिता सच में बहुत सरल और भोले भाले आदमी थे। बीरबल ने अपने पिता को अच्छे नए कपड़े खरीद कर दिए और उन्हें एक बात कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, अकबर कुछ भला बुरा कहे या गुस्सा करे, आपको उनके सामने बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है। बीरबल के पिता अपने बेटे की बात मानकर अकबर के दरबार में गए। उनको देखते ही अकबर ने पहचान लिया कि वह बीरबल के पिता है, लेकिन सिर्फ बात शुरू करने के लिए अकबर ने कहा, क्या आप ही बीरबल के पिता हैं? बीरबल के पिता बिना कुछ बोले वहीं पर शांति से खड़े रहे, जैसे उन्हें अकबर की भाषा समझ में ही ना आ रही हो। अकबर ने एक के बाद एक कई सवाल किए, आपके गांव का नाम क्या है, गांव में सभी लोग कैसे हैं, इस साल बारिश हुई या नहीं और फसल कैसी है। लेकिन बीरबल के पिता अपने बेटे के समझाए अनुसार एक भी शब्द नहीं बोले। अकबर को गुस्सा आ गया और वह बड़बड़ाने लगा, कैसे मूर्ख से आज पाला पड़ गया है, मेरी ही मति मारी गई थी जो ऐसे मूर्ख को अपने पास बुलवाया जो इतने सरल सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता। मूर्ख शब्द सुनकर बीरबल के पिता को मन ही मन काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह शांत रहे। आखिरकार अकबर ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वो वहां से चले गए और घर जाकर बेटे बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने उन्हें समझा कर वापस गाँव भेज दिया। 2 दिनों बाद जब अकबर बीरबल से मिला तो अकबर बीरबल से पूछने लगा, बीरबल एक बात बताओ, जब हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बीरबल इसी मौके की तलाश में था। बीरबल ने तुरंत अकबर को जवाब दिया, महाराज जब भी हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए तो उस स्थिति में सबसे बेहतर जो हम कर सकते हैं वह है चुप रहना, ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरे पिताजी आपके सामने चुप थे। यह सुनकर अकबर का मुंह देखने लायक था क्योंकि बीरबल ने न सिर्फ अपने पिता का बदला ले लिया था बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि सच में अगर कोई मूर्ख है तो वह अकबर है, ना कि उसके पिताजी।